देखिए पाकिस्तान का ये जो बोलिंग अटैक है ना, ये लिमिटेड कॉर्पोरेशन है इस वक्त, ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये हेडलाइन न्यूज अभी नहीं बनाएगा, क्योंकि हेडलाइन न्यूज बनाने के लिए पाकिस्तान का बोलिंग अटैक हमेशा रॉ बेस, रॉ टैलेंट के ऊपर अपनी कुव्वत को नुमाया रखता था वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, मगर ये अभी जो बोलिंग अटैक है इसमें रॉ बेस आपको दिखेगी नहीं। इसमें क्या दिखेगा, आपको डिसिप्लिन दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा कि आपको एक प्लान के तहत बोलिंग करनी है, और इसमें दिखेगा एक स्ट्रेटजी, एक एग्जीक्यूशन, और विद इन लिमिट्स रह के किस तरह से मैक्सिमाइज करनी है अपने पोटेंशियल को, ये सब कुछ दिखा आज डे टू में। हालांकि ट्रंकेटेड डे था, बैड लाइट और बारिश की वजह से ज्यादा खेल नहीं हो सका, मगर जितना भी खेल हुआ उसमें पाकिस्तान ने ये दिखाया कि डिसिप्लिन के थ्रू जो आपके वैसे मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज हैं, रॉक पेस ले लें, रिवर्स स्विंग ले लें, सी मूवमेंट ले लें, ये सब चीजें जो हैं ये बैक में चली जाती हैं अगर आपके पास प्लान है, एग्जीक्यूशन ठीक है और आप लगे रहते हैं अपने पोटेंशियल में रह के आप अचीव कुछ करना चाहते हैं। और ये दिखा मीर हमजा से, क्वालिटी का डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया, इसी तरह से हसन अली पेस कम है मगर एक जगह पे आजकल बॉल कर रहे हैं। अब जो अगली चीज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को करनी है कि इसी डिसिप्लिन के साथ किसी ना किसी तरह से 2 या 3 किलोमीटर हर सीजन या हर 6 महीने के बाद पेस में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा पेस अचीव कर सकेंगे, क्योंकि एक दफा जब आप पेस चली जाती है उसको वापस एक मुकाम पे लाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है, एटीट्यूड की बात हो जाती है, आपको इंजरी फ्री रहना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, फिर थोड़ी सी एक्शन को भी ट्वीक करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मेहनत, ये मेहनत तलब काम है और अभी इसमें गुंजाइश जरूर है। अच्छी चीज ये है कि सलमान अली आगा जो है वो अच्छे ऑफ स्पिनर उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जगह बॉल करते हैं अभी उस तरह की कुछ स्क्वेयर टर्न नहीं मिली है इस पिच के ऊपर, मगर आगे चल के शायद और थोड़ा बहुत आपको बॉल ग्रिप होता हुआ दिखेगा, और अगर इसी तरह से प्रेशर में रखा तो चले ऑस्ट्रेलिया को टाइम बहुत लगेगा 300 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यही पाकिस्तान कर सकते थे इस बोलिंग अटैक के साथ, कंटेनमेंट एक्ट दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, और प्रेशर जो है अब वो ऑस्ट्रेलिया पे एक तरह से बना रहेगा, क्योंकि जब आपकी एक तरह से फ्लो चली जाए ना बैटिंग में से, तो उस फ्लो को वापस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ेगी, और यही अच्छी चीज है पाकिस्तान के बोलिंग अटैक की कि ये मेहनत करवाते हैं और आराम से रन्स नहीं देते हैं। स्लिप कैचिंग में फिर कसर है, सो आप साइम अयूब को क्यों स्लिप में खड़ा करेंगे, ठीक है शायद बच्चे कैचर हो मगर यूजली फर्स्ट और सेकंड स्लिप मार्क्ड होती है, जो कि आपके सेफ हैंड्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस हैंड्स होते हैं, जो कि प्रेशर को संभाल सकते हैं, जो टेम्परमेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस बना होता है स्लिप कैचिंग में, सो आपको वो ढूंढने हैं। बाबर आजम स्पिनर के अगेंस्ट तो स्लिप में खड़े होते हैं, मैं चाहता हूं कि वो हर वक्त वहां पे खड़े रहे, क्योंकि अगर आपके पास और ज्यादा फ्लॉलेस और ग्रेट ऑप्शंस नहीं है तो फिर बाबर आजम का इस्तेमाल आप जरूर करें स्लिप में, और फोर्स एक तरह से करें कि उनको बैक करें, और प्रैक्टिस है, देखें फील्डिंग जो है वो एक वाहिद आपका पार्ट है क्रिकेट जो कि प्रैक्टिस से जल्दी से आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। बट ओवरऑल बुरा दिन नहीं था, प्रेशर रखा ऑस्ट्रेलिया में, और एक तरह से हमें पाकिस्तान की एक अलग सी झलक दिखी बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वर्ल्ड कप में मार पड़ रही थी और वाई तबाई बॉलिंग हो रही थी, उससे एक तरह से जमीन आसमान का फर्क दिखा है कि कंटेनमेंट है, लाइन है, डिसिप्लिन है, एक तरह से फूक थी और वहीं पे गेंद को रखा जो कि बिजनेस एरिया कहलाता है, और वार्नर और उस्मान ख्वाजा को बहुत देर तक ठंडा रखा, और उसके बाद कपल ऑफ स्ट्राइक्स भी मिली, इसी तरह से प्रेशर बढ़ाते रहे और कोशिश यही करें कि ये जो बैटिंग लाइन है ऑस्ट्रेलिया की, जो देखिए बाय द वे ये वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप नहीं है, एक दो विकेटें मिलती हैं तो शायद पाकिस्तान लीड ले जाएगा, बट उसके लिए आपको अनथक मेहनत की जरूरत है और कॉन्सेंट्रेशन लैप्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।